देख सकते हैं दोस्तों जो कि हमारे, तो अभी आप देख सकते हैं अगर बकरे की तुरबती पे मा चुके अपने हरियाणा राज्य जिला यमुनानगर का गांव किशनपुर दामला। और मेरे आप पीछे देख सकते हैं जो कि ये प्राचीन मस्जिद बताई जाती है। तो भी बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में, और कराते इस नूरानी मस्जिद का आपको दीदार। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। देख सकते हैं दोस्तों यही वो प्राचीन नूरानी मस्जिद है, तो बता दें कम से कम 500 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ प्राचीन समय में, और ये यहाँ का प्रवेश द्वार। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, करवाते उस नूरानी दरगाह का जो कि प्राचीन मस्जिद से आपका रूबरू। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे मस्जिद का अंदर का प्रांगण, देख सकते जो कि हमारे यहाँ पर फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पांचों समय की नवाज के लिए यहाँ पर वजू किया जाता है। ये देख सकते जो कि हमारे शफीक जी अभी अंदर चल के में दीदार करवाएंगे इस प्राचीन मस्जिद के। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में, देख सकते हैं मस्जिद का ये प्रवेश द्वार। ये जो मस्जिद थी हमारी जी जी, इन्हीं पुराने जमाने से थी, करीबन 500 साल इसकी तारीख बताई जा रही जी जी। तो जी उस टाइम ये चूने से बनती थी, चूना धो करता था एक, हाँ, एक ईंट की वो गिरू पीसते थे जी जी। तो उसका ये मटीरियल था, उससे तैयार होती थी ये पहले। अरे वो छोटी ईंटें होती थी जो छोटे, हाँ छोटे ईंटें होती हैं। तो एक करीबन इतने ज्यादा साल होने की वजह से ये गिरने टूटनी शुरू हो गई थी। ये जैसे यहाँ से ये कई बार हमारे हरियाणा सरकार और भारत सरकार कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं हम तो हरियाणा सरकार को, एक तो हमारा ये इतना बड़ा स्थान है और यहाँ पूजा पाठ के लिए भी, यानी ईद और त्योहार के लिए बहुत काफी बंदे इकट्ठा होते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम सभी एक भाई है यहाँ पर एक ही, और बाहर से भी देखने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा कोई रास्ता इसका ऐसा कोई नहीं है कि हम बारिश में या किसी ऐसे समय में हम यहाँ पर सही सलामत आ जाए। ये सबसे मेन चीज हमें बस्ती कितनी होनी है, जितनी हमें इसके स्थान की, पुराना स्थान है जी जी जी। तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। हाँ जी हाँ। ये समस्या हमारी सरकार तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है जी, जरूर पहुँचेगी, क्योंकि आपके अंदर दीनों ईमान और सभी एकता का प्रतीक है हमारे ये जो भारत है, जो भारत के अंदर सभी एक है, यहाँ पर कोई गैर नहीं है सभी, क्योंकि सुनो क्योंकि सभी ने यहाँ कर आज़ादी के समय हिंदू ने मुस्लिम ने सब ने मिल के योगदान दिया आज़ादी के समय, कोई अलग नहीं है यहाँ से। बताइए ये सरकार तक आप पहुँचाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, आपकी हम बड़ी मेहरबानी समझेंगे कि अगर आपके माध्यम से हमें ये रास्ता मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है जी। हमारे तो क्या शुक्रिया था, शुक्रिया था उस परमात्मा करो जिसने हमें यहाँ पर पैदा किया। दिखाता हूँ मैं आपको बड़ी बारीकी, क्योंकि दोस्तों बताया प्राचीन समय से निर्मित है ये जगह। मैं करा रहा हूँ आपका हमारा हरियाणा संस्कृति से रूबरू, जो कि हमारी एक ये भाईचारे का पैगाम देती है ये सरजमे ये भूमि। तो देख सकते हैं दोस्तों ये प्राचीन ईंटों द्वारा निर्मित है, क्योंकि सदियां बीतती गई और इनका निर्माण होता गया। देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर और मनोरम दृश्य हमारे इस यमुनानगर जो कि गाँव दामला के अंदर बनी हुई है। और हमारे ये मौलाना जी बता रहे हैं क्योंकि चूना में बनी हुई है, ये चूना झड़ गया था तो इन्होंने दोबारा इसकी चुनाई की लिपाई के लिए दोबारा ये इधर आप टैल वगैरह देख सकते हैं, ये टैले लगाई गई हैं इसके लिए। देख सकते हैं दोस्तों जो कि हमारे श्यामुद्दीन पीर बाबा की ये मज़ार है यहाँ पर, और हमें सदीक जी जो कि हमें इनका दीदार करवाने के लिए जा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं बाहर का ये प्रवेश द्वार, देखिए दोस्तों क्योंकि छोटी ईंटों द्वारा इनका निर्माण हुआ है हमारे प्राचीन समय में, तो आज भी इतने सुंदर दिखाई दे रही है ये, तो अपने इनके समय में कितना ही खूबसूरत होगा ये दीदार करने का। देख सकते, तो चलो अंदर चल के कराते हैं आपको अभी उस हमारे बाबा जी की मज़ार के। देख सकते दोस्तों जो कि हमारे बाबा श्यामुद्दीन पीर जी की दरगाह, बताया जाता है हमारे 52 पीरों में से एक पीर है। देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर और लुभावना दृश्य है, क्योंकि ये प्राचीन सभ्यता जो हमसे जुड़ी हुई है और हमारा इतिहास गवाह है कि यहाँ पर हमारे कितने पीर पैगंबरों संत महंतों ने यहाँ पर हमारे इस इबादत के लिए परमात्मा का स्मरण किया इस मंदिर का। आप मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, गिरजा बोलो, गुरुद्वारा बोलो, तो सभी एक उस मालिक के घर हैं, जिधर आपका मन चाहे उधर जा सकते हैं दोस्तों।
क्योंकि कृपया नशे से बचकर ही इनका दीदार हो सकता है, ना कि नशे में। नशा करना है तो परमात्मा करो। देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मैं बताया जाता है कि सदीक जी ने कि क्या बाबा जी यहाँ करे बकरे की तुर्बत यानी कबर। अच्छा, बकरे की तुर्बत है कि यानी कबर। ये सफ़र में चले गए कहीं, ये बस्ती वालों इसको पकड़ के जो है खा लिया। तो पूछा आगे, भैया मेरा बकरा था वो कहाँ है? इनको जी हमें नहीं पता। हाँ हाँ, सही सही बता दो, अगर खाया है तो उसकी हड्डियाँ वगैरह मुझे दे दो। जी जी जी। मान्य नहीं, फिर इन्हें आवाज़ लगाई वो जहाँ जहाँ भी रखा हुआ था, वो अपने आप आवाज़ से बोल गया वो कि मैं यहाँ हूँ। हाँ, किसी की हंडी में था, किसी के पति कहीं जहाँ जहाँ भी था, तो इनको इकट्ठा करके फिर यहाँ दाबा है। अच्छा, तो बताते हैं इसमें जो है बुखार किसी को ज़्यादा ही हो, इस पर लेट जाएं तो उसको आराम भी होता है। इसमें ये खासियत बताई, मान्यता बताई गई है। इनकी अपना था है। जी जी, बड़ा शौक से पाल रखा था इन्हें। हाँ जी हाँ जी, पीर बाबा जी ने। जी जी, क्योंकि इबादत ये तो एक जीव है जी, इबादत कोई भी कर सकता है। ये इंसान के ऊपर लागू नहीं है, ये हर जीव के ऊपर लागू है, क्योंकि अल्लाह ताला पिता परमात्मा ने सबको जीव एक बनाया है। स्थान आप देख ही रहे, इस स्थान पे कम से कम जो है कि बाज मरतबा 1000 आदमी पूजा के लिए यानी नमाज के लिए आते हैं, और हमारा कोई रास्ते का नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल, इतनी ज़बरदस्त हमें परेशानी आ जाती है, बीमार हो जाए। जब भी हमें जो है ना वहाँ से सड़क तक यानी कंधे पे बिठा के या कोई किसी ट्रैक्टर या किसी सवारी का कोई सहारा लेके हमें वहाँ सड़क तक पहुँचाना पड़ता है। बाबा, जंगल भी है ना चारों तरफ, जंगल ही जंगल है जी, यहाँ जानवर का भी खतरा है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल बना हुआ है यहाँ दरगाह के चारों तरफ, देख सकते हैं। तो इसकी तो हम चाहते हैं जी सरकार कुछ हमारी मदद करे, ये रास्ते को थोड़ा जो है ना इसको कोशिश करके बनवावे। हम हर एक मंत्री के पास जा लिए जी, हमने सबके लिए सबको जो है ना अपनी मजबूरी सुनाई, लेकिन कोई सुनाई नहीं है जी हमारी। हम चाहते हैं ये रास्ता हमारा बन जाए। जी जी, जरूर हमारी दरख्वास्त है जी। जी जी, ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा, क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा है वो। जी जी जी, कोई परमात्मा का बंदा होगा जो हमारी वीडियो देखेगा और आपकी फरियाद उन तक पहुँचेगी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्कृति के बारे में इतना सब कुछ बताने के। हमारा एक उद्देश्य है जो कि हमारे पंजाब स्टेट में जो कि हर घर के अंदर बच्चे ज़्यादा नशे की लत में पड़े, कोई स्मैक, कोई चिट्टा, कोई गांजा, कोई अफीम, दोस्तों कृपया वहां से जो कि हमारे बच्चे हैं गलत मिसगाइड हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ, कृपया इनके ऊपर रोक लगाई जाए ताकि हमारा हरियाणा भी बच सके उससे, क्योंकि ये हरियाणा भी नशे की गिरफ्त में पूरा आ चुका है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये हमारी वीडियो जन जन तक जाए। दीदार के वो प्राचीन मस्जिद के, और हमने दिखा उस प्राचीन पीर बाबा की दरगाह, जहाँ पर बताया जाता है कि उनका एक जो बकरा होता था उसको यहाँ पर ग्रामवासियों ने उसको हलाल करके बना के खा लिया। तो बताया जाता है उनके मना करने के बाद भी उस बकरे के मुँह से जहाँ जहाँ किसी की पतीली में था, किसी के मुँह में और किसी के पेट में, तो उसके वहीं से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो बता जाते हैं वहाँ पर उनके जिसकी कोई भी बीमारी हो, बुखार हो, ताप हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, जो यहाँ पर इसकी दरगाह पे और इसकी मज़ार पे आकर लेट जाता है, उसकी हर मुराद और हर बीमारी से उसको छुटकारा मिलता है। रूबरू करवाए इस प्राचीन दरगाह से, तो मैं इनका बार बार धन्यवाद करते हैं दोस्तों। कृपया भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि हर दुख दर्द में आपके सामने आपका भाईचारा ही काम आएगा, और जो कि एकता सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि हर चीज़ में हर संकट में आपकी ये भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों कृपया नशे से बचे, बिल्कुल अपने इस बहुमूल्य जीवन को नशे में न खोकर परमात्मा की भक्ति में लगाए, माता पिता की सेवा कर, साधुजनों से आशीर्वाद ले। तो क्या आप हमारी वीडियो द्वारा नशे के प्रति कुछ बताना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि नशा सबसे खतरनाक चीज़ है, कि आज इसने बच्चों के जीवन को ख़राब कर दिया है। जी जी। और सिर्फ बच्चों बच्चों के नहीं, क्योंकि पूरा परिवार ही उसकी वजह से बिगड़ जाता है। माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब, मोहल्ले पड़ोस की ज़िंदगी ख़राब, और खुद की ज़िंदगी ख़राब हो, किसी काम का रहता हो। जी हम तो ये चाहें भैया बिल्कुल ये सरकार के द्वारा भी इसको जो है ना बंद कराना चाहिए, उसकी रोक लगानी चाहिए बड़ी पाबंदी के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमजोरी सरकार की होती है, वो इस पे जो है ना इतनी पाबंदी लगाती जी जी और ले दे के जो है इनको छोड़ दिया जाता है। पाबंदी तो लगाने चाहिए, तो तभी जाके ये जो है ना खत्म होगा। हाँ, क्योंकि हम तो एक नशा मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे परिवार से आगे फिर ये इस पर पाबंदियाँ लगाई गई तो ये हमारा पूरा का पूरा देश इसके लपेट में आ चुका है। जी जी, खोखला बना दिया, बना दिया नौजवान, जो नौजवान जो बिल्कुल जाए बिल्कुल खोखले कर दिया, इसी नशे में डूबे पड़े हो। जी जी, इतने कमाते हैं मजदूर आदमी, 500 की कमाई करी, 500 इधर लगा
लगा दिए, तो घर के अंदर क्या होगा, आज ये डूब रहे मर रहे किस वजह से, सिर्फ नशे की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि बाबा जी उनके घर में खाना हो या ना हो, दाना हो या ना, बच्चे भूखे मरे कुछ भी हो, बिल्कुल लेकिन उनको नशा जरूरी चाहिए, ये लेंगे वो, इसकी वजह से सारा जीवन खराब होया पड़ा। जी जी शफीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी संस्कृति से रूबरू करवाया हमारी आने वाली पीढ़ी को, और आपने इतना अच्छा भाईचारे का और इस नशे से ग्रसित लोगों को इतना सुथरा संदेश दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी हरियाणा भ्रमण साइकिल यात्रा की एक और नई वीडियो के साथ, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय हिंद।